तो कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए। इनोसेंट लड़की की कहानी सुनने में किसी की प्रॉब्लम अगर है तो दे आर द परपेट्रेटर, दे आर द पीपल हु हैज कॉज्ड दिस। टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, अचानक धर्म कहां से आ गए? मुझे उम्मीद नहीं था कि विपुल जी ये कहानी सुनने के बाद इस फिल्म करने के लिए राजी होंगे, लेकिन जब मैंने उन्होंने कहानी सुनी मेरे से, उनकी आंखों में आंसू था। उन्होंने बोला था कुछ भी हो जाए मैं ये फिल्म को बनाऊंगा। और नॉर्मली क्या होता है बॉम्बे शहर में, जब भी कोई फिल्म बनता है उसमें कोई स्टूडियो आ जाते हैं, कोई फाइनेंसर आ जाते हैं उस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन हमारी ये फिल्म बनाने के लिए कोई नहीं आए थे। विपुल जी अपने मेहनत की कमाई की एक एक पैसा इस फिल्म में लगा दिए। आप हमारे पास अब कोई पैसे नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा सकते, बड़े बड़े न्यूज़पेपर ऐड नहीं दे सकते, लेकिन हमारी सपना ये है कि हम इंडिया की 150 करोड़ लोग को ये फिल्म दिखाएंगे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि सच्चाई बाहर ना आए, तो ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन चाहता है कि एक सच्ची घटना, तीन इनोसेंट लड़की की कहानी सुनने में किसी की प्रॉब्लम अगर है तो दे आर द परपेट्रेटर, दे आर द पीपल हु हैज कॉज्ड दिस। केरल में कितनी बड़ी समस्या है कन्वर्जन, इस तरीके की भूली वाली लड़कियों को फंसाना। आई थिंक किसी को भी ड्रग करना और उसे मैनिपुलेट करना ड्रग करने के बाद, और पैसे के लिए किसी को झूठा प्यार करना बहुत गलत बात है, चाहे वो केरला में हो या यूके में हो या किधर भी हो। इट इज़ अ सीरियस इशू एंड आई एम ग्लैड कि हमारी फिल्म से हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। किसी दोस्त ने आपको इस तरह का कुछ फीडबैक दिया हो, कोई ऐसा फैक्ट आपके सामने आया? दोस्त नहीं, पर दादा ने 7 साल के लिए रिसर्च किया और वी मेट द विक्टिम्स, जो आपने देखा फिल्म में वो लड़कियों से हु वेंट थ्रू दिस इन रियल लाइफ, हम लोग मिले उनसे और उनकी एक्सपीरियंसेस सुने। तो तमाम राजनीतिक दल मनसा पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों की मनसा ठीक नहीं है किसी एक धर्म के खिलाफ। धर्म कहाँ से आ गया, हमने तो टेररिस्ट के बारे में बात की। धर्म का तो आप लोगों ने बोलते हैं ना कि धर्म का कोई, अरे टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, अचानक धर्म कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये सेटिस्फेक्शन अगर आम जनता जब पब्लिक 5 तारीख को रिलीज होगा ये सबको मिले, बस खुशी है। मतलब उसके लिए क्या होगा, जेल अरेस्ट कर लेंगे, जेल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.